हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये अजीब से वेपन को कैसे यूज़ करना है, जिसका नाम है FHJ-18। मैं श्योर हूँ कि आपने इसको बंदों पे एम करने की ट्राई की होगी, लेकिन ये कभी शूट ही नहीं करता है। और हाँ, मैंने भी यही सेम चीज़ की थी, लेकिन जब मुझे पता चला इसे कैसे यूज़ करते हैं तो मैं भी शॉक था। सो इस गन का जो यूज़ है या वेपन का जो यूज़ है वो बैटल रॉयल में काफ़ी आसान है। ये किसी भी व्हीकल को तोड़ सकता है, कोई भी कार को या कोई भी हेलीकॉप्टर को तोड़ सकता है। लेकिन मल्टीप्लेयर मैचेस में इसके बेनिफिट्स कुछ ज़्यादा ही है, और इसको किसी ने डिस्क्लोज़ भी नहीं किया है अपने वीडियोस में, सिर्फ बैटल रॉयल का दिखाते। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मल्टीप्लेयर में इसको यूज़ करें वेरी इफेक्टिवली। तो एंड तक देखना, बहुत सारे क्लिप्स है इसमें, सब में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इसको वेरी इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। तो इसका पहला जो यूज़ है वो है UAV डिस्ट्रॉय करना। अगर आपके एनिमी ने UAV इनेबल किया है तो आपको सीधा ऊपर सर्च करना है उसके लिए, और जैसे ही आप ऊपर देखोगे कि UAV है एनिमी का, तो आपको बस इससे एम करना है और वो लॉक करेगा और आपको बस रिलीज़ करना है। तो ऐसे आप UAV डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एनिमी के जो UAV के बेनिफिट्स है वो तुरंत बंद हो जाएंगे। हमारे अगले लिस्ट पे है काउंटर UAV। आपको पता ही होगा काउंटर UAV लगते ही हमारे पूरे मैप पे जाम हो जाता है और हमारे मैप पे कुछ दिखता नहीं है, तो ये बहुत इरिटेटिंग है। तो इस मिसाइल से आप पूरा काउंटर UAV डिस्ट्रॉय कर सकते हो एनिमी का। तो ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सो सेम चीज़ करनी है हमें, बस काउंटर UAV को सर्च करना है जैसे इनेबल होता है। तो आपको सर्च करना है, और देखो मेरा मैप कैसे अभी डिसेबल्ड है। जैसे मैं इसको फायर करूंगा और जैसे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मुझे 125 पॉइंट्स भी मिलेंगे और ऊपर से मेरा जैम भी खुल जाएगा। सो जो अगला यूज़ है इस वेपन का वो काफ़ी डिफरेंट है। ये बेसिकली एक ही मैप में होता है, वो न्यूक टाउन मैप है ये वाला। और इसमें आप ये वेपन से इन जो कार्स है जो एक्सप्लोडेबल होती है उसको आप फोड़ सकते हो। तो आप देखना, बस एम करोगे आप तो वहाँ पे वो लॉक करने लग जाएगा। तीन या चार गाड़ी रहती है पूरे इस मैप में न्यूक टाउन में। तो आपको इसके लिए सर्च करना है और आपको बस एम करना है। अगर उसके बंदे आसपास काफ़ी कैंप करते रहते हैं, अगर उसके आसपास बंदे हैं तो आप फोड़ोगे तो तीन से चार बंदे एक साथ मारे जाएंगे और इससे आपको तीन से चार किल एक ही बार में मिल जाएंगे। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा अपने सेकेंडरी स्लॉट में ये मिसाइल को लेके चले, इस गन को लेके चले, बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे अगले लिस्ट पे है सैम टरेंट। अगर आपको ये नहीं पता कि सैम करता क्या है, तो अगर सपोज़ एनिमी टीम ने सैम इनेबल किया है तो इसका मतलब है कि आपकी जो भी प्रीडेटर मिसाइल और हंटर किलर ड्रोन्स जो है उसको वो आने से पहले ही फोड़ देगा, अपने बंदों पे गिरने ही नहीं देगा। तो आपको अगर उसे डिस्ट्रॉय करना है तो आपको ये गन हेल्प कर सकती है। इसकी दो मिसाइल लगती है एक सैम को डिस्ट्रॉय करने में, आप ये क्लिप में देख सकते हो। एक बार एम किया, फिर से एम करना पड़ेगा, फिर से एक मिसाइल मारनी पड़ेगी, तभी जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट लिस्ट पे है सेंट्री गन, और ये काफ़ी डेडली चीज़ है सेंट्री गन। अगर एनिमी टीम आपके इधर लगा के जाएगी सेंट्री गन तो आपकी पूरी गेम की बाजी पलट सकती है ये गन। तो आपको इसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके लिए आपको बस एक मिसाइल लगेगी FHJ-18 की, और आपको बस एम करना है, लॉक करना है और सेंट्री गन डिस्ट्रॉय। इसका अगला यूज़ काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आपके सिर पे कभी स्टेल्थ चॉपर आ जाए तो आपको पता है कि सीधा रीस्पॉन पे आपको मौत ही मिलने वाली है। तो इसको डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका है, वो है FHJ-18। गोलियों से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 5-6 बार मौत मिल जाएगी गोलियों से डिस्ट्रॉय करते हुए। तो ये FHJ-18 की बस दो मिसाइल से आप पूरे स्टेल चॉपर की धज्जियाँ उड़ा सकते हो। मतलब एक सेकंड पहले स्टेल चॉपर आया है और दूसरे सेकंड पे आपने तोड़ भी दिया, आपकी टीम को भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और आपको भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इजंट इट कूल? इस वेपन का फाइनल यूज़ होगा VTOL पे, और आपको पता ही है VTOL सबसे हाईएस्ट कोर स्टिक है, और इसको जो ऑप्टेन कर लेता है वो पूरी टीम, एनिमी टीम को मतलब पूरा मार सकता है, सबको मार सकता है, सबकी पोजीशन रिवील कर सकता है। तो इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और FHJ-18 इसको दो मिसाइल्स में कर सकता है, तो आप इस पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। आप फ्यूचर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू COD पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।